तो करना शुरू करते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। और बच्चों ये लास्ट पार्ट है। मैं हूं हरी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल, आइए करना शुरू करते हैं। तो जिन बच्चों को वीडियो नहीं मिलती है प्लीज वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले ले, और साथ ही जिनको मेंटल मैथ चाहिए, देखो ये मेंटल मैथ तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ अमेजोन पर और दूसरे मेंटल मैथ आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करना चाहे तो वहां पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं, लिंक देख सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो देखो लिखा ए प्लांट इज 1.17 मीटर हाई, इट ग्रोज 1.1 टाइम्स व्हाट इज इट्स हाइट नाउ। अब उसकी हाइट कितनी है, देखो शॉर्ट में बताऊंगा मैं। अब है हाइट 1.17 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हाइट है। अब ये ग्रोज हो गई बच्चों कितनी, 1.1, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.17 ही आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। अगर फिर हम इसको क्या करें 0.1 से भी मल्टीप्लाई करें, देखो 1.17 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.1 से। तो 1 से तो हम कर चुके हैं, अब 0.1 से और कर लेते हैं तो आएगा तो उतना ही, ठीक है। लेकिन डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट के बाद इसमें, 1 के बाद इसे, टोटल 3 डिजिट, 1, 2, 3 यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करते हैं 1.17 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 1.17, इस तरीके से आप इसको ऐड कर लीजिए तो बच्चों ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं यहाँ पर, आइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, रीड कर लेते हैं। लिखा है ए फ्लास्क वेट 64.27 केजी व्हेन एम्प्टी एंड 150.35 केजी व्हेन फुल ऑफ वाटर, फाइंड इट्स वेट व्हेन इट इज हाफ फुल ऑफ वाटर, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, ये है कि एक फ्लास्क है उसका वेट है 64.27 केजी, लेकिन जब उसमें वाटर भरा जाता है तो वेट आ जाता है 150.35 केजी, ठीक है, जब वाटर फुल भरा जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है जब उसमें हाफ वाटर भरा हो, यानी वो पानी से आधा भरा हो, हाफ भरा हो, तो उसका वेट क्या होगा। अब बच्चों फ्लास्क का वेट तो वही रहेगा ना, वेट किसका कम होगा, वाटर का होगा। तो पहले हमें निकालना है वाटर है कितना, उसमें कितना वेट है वाटर का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वेट ऑफ वाटर विद फ्लास्क, ठीक है बच्चों। तो है 150.35 केजी। अब वेट ऑफ वाटर, ओ सॉरी फ्लास्क, वेट ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क, तो वेट ऑफ फ्लास्क है बच्चों 64.27 केजी, ये है। अब इसको माइनस कर ले तो वेट सॉरी वाटर का वेट आ जाएगा, यानी वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर तो केजी 5 में से 7 माइनस ही होंगे 15 में से 7 माइनस किया 8, और यहाँ पे 2 रहेगा, 0 की 0, डेसिमल की जगह डेसिमल, और यहाँ पर 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे रह गया बच्चों 14 में से 8 माइनस सॉरी 6 माइनस किया 8 आ गया। तो बच्चों ये आ गया 86.08 केजी, ये वाटर का वेट है। अब हमें करना क्या है, हाफ वाटर का वेट निकाल लो, वेट ऑफ हाफ वाटर, तो 86.08 को डिवाइड कर देना है आपको 2 से। तो देखो 2 को 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और पॉइंट यू का यू 0 आ जाएगी क्योंकि 2 4 जा 8। तो ये आपका आ गया किसका, वाटर का वेट आ गया हाफ वाटर का, यानी हाफ वाटर उसमें आएगा तो इतना आएगा। अब टोटल वेट निकालना है बच्चों, तो टोटल वेट ऑफ वाटर इन विद फ्लास्क, विद फ्लास्क लिख देते हैं, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, 43.04 में आपको फ्लास्क का वेट जो दिया हुआ है या ये वाला, तो उसको क्या कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो ऐड हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो 7 और 4 होता है 11 का, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, 1 कैरी 1 और 3, तो 0.4 प्लस 3 7 और 6 और 4 10। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 भी मैंने लिख के रखा हुआ है, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, फ्रॉम द गिवन नंबर लाइन फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो ए का पॉइंट हम देखो काउंट कर लेते हैं, यहां पर है ए, तो यानी 0 पॉइंट, ठीक है, 0.1, 0.2, तो 0.2 है बच्चों ए। ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिख ली, प्लस बी, बी की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, तो ये 0.3 है, यहाँ 0.4 होगा, 0.5 हो जाएगा, तो ये लेकिन माइनस में होगा 0.5 इस तरीके से। तो इसको ब्रैकेट में रखिए, 0.2 माइनस प्लस माइनस होते हैं 0.5, अब माइनस कर देते हैं, तो 0.5 में से 0.2 माइनस करेंगे 0.3 आ जाएगा, 0.3, लेकिन बड़े नंबर के सामने माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 इवेलुएट करना है बच्चों। अब इवेलुएट करने के लिए आपको देखो यहां पर 2 नंबर तो प्लस के हैं और 2 नंबर ही ये माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस कर लेते हैं। तो अगर आपको सीधा प्लस करना आता है तो सीधा कर लीजिए, जैसे 4 और 1, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 का 6 आएगा, और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 5, तो 5 का 5, पॉइंट के लिए पॉइंट, और 3 और 1 4 आ गया, ये तो आ गया प्लस का, और ये माइनस का, इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, और 3.00 आप चाहे तो लिख सकते हैं इस तरीके से। अब माइनस प्लस माइनस होते हैं, बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन रहेगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो 1.565 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 4.5 kg ऑफ स्वीट आर शेयर्ड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन, ठीक है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ ईच स्वीट डज ईच चाइल्ड गेट। तो हमें बताना है कि हर बच्चे को कितने ग्राम स्वीट मिली, तो टोटल स्वीट कितनी है बच्चों, 4.5 kg है, ये टोटल स्वीट है, इसको डिवाइड कर देना है, किससे कर देना है, 5 बच्चों से, 5 बच्चों में तो डिवाइड हुई ना, तो अब हमें बताना है कितने ग्राम आई उसके पार्टिसिपेट में, यानी एक केस में। तो बच्चों अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं यहाँ पर, अब 5 की टेबल में 4 तो आएगा नहीं, आगे आगे डेसिमल, तो हम क्या करेंगे, 0 डेसिमल लगा के दोनों डिजिट ले लेते हैं इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 45 और ये कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो 0.9 आएगा, लेकिन ये किस में आ गया, केजी में आ गया, हमें बनाना है किस में, ग्राम में, तो 0.9 को हमें कर देना 1000 से मल्टीप्लाई, तो 9 1 9 और यहाँ पर 30 है, तो 30 आप लगा दीजिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 के बाद लगा दीजिए, तो ये आ गया बच्चों ग्राम, यहाँ पर ग्राम मैं लिख देता हूँ, या आप चाहें तो इसमें 0 हटाकर भी लिख सकते हैं, यानी 900 ग्राम बन गया ये, ठीक है ना, यहाँ पर ये डेसिमल है, तो ये आपका आंसर आ गया, इस तरीके से करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, ए बुक केस इज 2.38 मीटर टॉल एंड द हाइट ऑफ ईच शेल्फ इज 34 सेंटीमीटर, हाउ मैनी शेल्फ आर देयर, तो कितनी शेल्फ हैं। तो बच्चों फिर वो ये टोटल हाइट दी यहां पर गिवन है, तो उसको मैं लिख देता हूं टोटल हाइट, तो टोटल हाइट है बच्चों 2.38 मीटर, या इसको हम बना लेते हैं सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 2 में कितने होंगे, 2 में नहीं, 2.38 में, तो इसको 100 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो 238.00 आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये सेंटीमीटर आ गए बच्चों, ये सेंटीमीटर हो गए। अब बच्चों यहाँ पर पूछा है 34 सेंटीमीटर एक सेल्फ की हाइट, तो कितनी सेल्फ हैं, तो नंबर ऑफ सेल्फ हमें फाइंड आउट करना है, तो ये मैं पहले लिख लेता हूं, तो इस टोटल हाइट को जो हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है, इसको आपको करना है 34 से डिवाइड कर देना है,
तो आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। टू से काट लीजिए इसको, टू से अगर कटता तो देखो यहाँ पर टू से, टू से टू वन जा टू, टू सेवन जा फोर्टीन, टू से टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू नाइन जा एट्टीन, ठीक है। इस तरीके से ये कट गया। अब बच्चों यहाँ पर सेवनटीन की टेबल में, यहाँ पर हम इसको काटते सेवनटीन सेवन जा पे, ठीक है ना, ये आ गया बच्चों। तो 119 होता तो नंबर ऑफ सेल कितनी आ गई, 7 आ गई, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर बच्चों ये भी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। अरेंज द फ्लोविंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से, यानी जो डिनोमिनेटर है उनसे सभी से डिवाइड हो जाए, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। आइए करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर 4, 5, 7, 3 और सभी क्या है, ये अलग अलग नंबर है, सभी क्या है, अलग अलग नंबर है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है बच्चों, इनका एलसीएम लेना है। और इनका एलसीएम क्या होगा, इनका जो मल्टीपल्स होगा वही एलसीएम होगा। 7, 3 जा 21 और 4, 5 जा 20। अब 21 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 420 आता है, ठीक है, ये आ गया। तो ये समझो ये क्या है, एलसीएम है। अब सबका हमें क्या बनाना है, 420 बनाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमने बना दिया 424 का, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 3, 5 जा 15, 7 जा कितना होता है 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 105 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, 5 जा 15, 3, 1 जा 3, तो क्या आ गया, 315 आ गया बच्चों। यहाँ पर एक तो ये आ गया, यहाँ पर भी 420 हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है, लेकिन हमें 5 का हमने बना दिया 420, तो किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखिए यहाँ पर 7, 3 जा क्या होता है 21, 21, 4 जा यहाँ पर, तो 4, 1 जा 4, 4, 2 जा 8, 84 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 6, 4 जा 24 कैरी 2, 6, 8 जा 48 और 2, 50, तो 504 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर 7 है तो इसका भी समझ लीजिए हमने बना दिया 420, किससे मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई इसको हटा दे, देखो 4, 5 जा 20, 20, 3 जा 60 से मल्टीप्लाई करना है 6 को। जब 60 को, ये 60 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 6 जा 36, 0, तो 360 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बचा डिनोमेटर, इसका भी हमने समझ लो 420 बना दिया, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, 4, 5 जा 20, 20, 7 जा 140 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 280 आ जाता है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए सबसे छोटा नंबर आ रहा है बच्चों ये, ठीक है। और ये किसके लिए आया, 2/3 के लिए आया, तो 2/3 सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। इससे बड़ा बिग नंबर इधर आएगा, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 315 है, ये किसके लिए, 3/4 के लिए, तो 3/4 कर दीजिए। यहाँ पर फिर है 360, ये 6/7 के लिए है, और लास्ट में नंबर आ गया 6/5, ठीक है बच्चों, ये सबसे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर भी करना है हमें सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब देखो, अब मैं यहाँ पर कोई एलसीएम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि 3 इसमें क्या है, माइनस की संख्या है, और ए 1 प्लस किया, तो ये जो प्लस किया ये तो सबसे क्या होगी, ग्रेटर होगी। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी नंबर सबसे पहले आता है। अब बचा है बच्चों, इसको निकाल देते हैं। अब हमारे पास नंबर बच रहे हैं क्या, -2/7 और यहाँ पर -5/11 और -1/3। अगर अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, देखो 11 77 77 77 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 जा 21 3 7 जा 21 और 2 23, तो 237 आता है, ये आ गया 237। लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33 करेंगे, तो 33 2 जा 66 होता है इसका, तो हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर ये हमने बना लिया, इसका भी 231 बना लिया, और इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 7 3 जा 21 21 को 5 से करेंगे तो 21 5 जा कितना होता है, ये देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो यहाँ पर बच्चों आ गया कितना, 105, ठीक है, इस तरीके से।
अब ये 3 का हमने क्या बना लिया, एलसीएम लेके 231 बना लिया। किससे मल्टीप्लाई करें, 77 से, तो 77 वन जा 77 इस तरीके से। अब इसमें तीनों ये माइनस के नंबर हैं, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो जीरो के नियरेस्ट होगा, जीरो के नियरेस्ट आ रहा नंबर ये यानी 2/7, तो यहाँ पर सॉरी ये सबसे बड़ा है, यहाँ पर इस तरीके से मुँह खुलेगा तो -2/7, और इससे छोटा नंबर होगा बच्चों ये -77/77 है, ये किसके लिए आया, -1/3 के लिए आया है, और सबसे छोटा नंबर आएगा ये 5/11, -5/11, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर फिगर है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब है सभी साइड को क्या कर देना, ऐड कर देना है बच्चों, वही पेरीमीटर होता है। देखो आइए फ्रैक्शन जो मिक्स नंबर है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 3 3 9 और 1 10, तो 10/3 प्लस 3 4 12 12 और 2 14, 14/3 और प्लस यहाँ पर ये इसको कर लेते हैं, ये भी बच्चों सेम नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3 और प्लस ये भी सेम नंबर है दोनों, तो इसका है 14/3 और यहाँ पर 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन का, सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो इनमें से एक डिनोमिनेटर लेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं, तो 10 + 10 कितना होता है, 20, और 14 + 14 होता है 28, 28 और 20 होता है 48, ठीक है, तो +6 इस तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे करना है, तो बच्चों 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है, 16 + 6 हो गया 22, तो 22 सेंटीमीटर यहाँ पर पेरीमीटर आ गया। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पार्ट का, तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या लिखा, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन बताना है बच्चों, दैट मस्ट बी एडिड टू, इसमें ऐड किया जाए टू मेक द रिजल्ट एन इंटीजर, और जो रिजल्ट बने वो इंटीजर बन जाए, इंटीजर यानी माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं। तो आइए पहले इनको सोल्व कर लेते हैं फ्रैक्शन को, सॉरी मिक्स नंबर को, 3 1 जा 3 और 1 4 4/3 हो गया डिवाइड का साइन, और 9 1 जा 9 और 1 10, तो 10/9 हो गया। आइए इसको इधर कर लेते हैं, 4/3 डिवाइड के साइन को करना मल्टीप्लाई में चेंज, और नेक्स्ट नंबर का कर देना रेसिप्रोकल इस तरीके से, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो आया है क्या आ गया, 3 × 2 6/5 आ गया बच्चों, ठीक है इस तरीके से। अब इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए, पॉजिटिव फ्रैक्शन ऐड किया जाए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो इंटीजर आ जाए। अब इंटीजर तो बच्चों 1 भी होता है, 1 2 होते हैं, माइनस में भी होते हैं, तो पहले इनसे देख लेते हैं, तो 1 लेके देखते हैं बच्चों। अब देखो रिजल्ट ये है, ऐड करना है, तो इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आंसर में से फर्स्ट नंबर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। आइए 5 और 1 का एलसीएम लिया 5, और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो बच्चों ये तो आ गया नेगेटिव आ गया बच्चों, ये तो ये नंबर नहीं लेंगे हम, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 करना है, 2 में से माइनस कर देना फर्स्ट नंबर को, तो आपको लेना है एलसीएम फिर, तो 5 1 जा 5 साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 जा 10 और -1 6 जा 6, तो यहाँ पर 10 - 6 हो गया 4/5, जी हाँ ये पॉजिटिव आ गया, तो बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर इस 4/5 को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 2 आ जाता है जो इंटीजर है, देखो करके दिखाता हूँ, 6/5 + 4/5, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एक डिनोमिनेटर लिया और यहाँ पर 6 + 4 हो गया 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आ गया ना 2, तो बच्चों रिजल्ट क्या है आपका, वो लीस्ट पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या है, 4/5, ठीक है, तो रिजल्ट आपका 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स।